अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमोलोटेन टैबलेट का, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमोलोटेन टैबलेट क्या है और इसके क्या यूजेस हैं और इसके साथ साथ इसके साइड इफेक्ट के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी न्यू मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। अब हम बात करें प्राइमोलोटेन टैबलेट क्या है। ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है। इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है नॉर्थिस्ट्रॉन, जो कि 5 mg में अवेलेबल है, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है बायर फार्मास्यूटिकल्स। ये था प्राइमोलोटेन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्राइमोलोटेन टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। प्राइमोलोटेन टैबलेट को पीरियड्स में यूज़ करना चाहिए, मतलब अगर आपको पीरियड्स टाइम से पहले आते हैं या टाइम के बाद आते हैं तो उसमें भी आप प्राइमोलोटेन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स टाइम पे आते हैं पर बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, या पीरियड्स आते ही आपको जिस्म में टांगों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें भी आप प्राइमोलोटेन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमोलोटेन टैबलेट को इनरेगुलर पीरियड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको पीरियड्स नहीं आते या रुक रुक कर आते हैं तो उसमें भी प्राइमोलोटेन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमोलोटेन टैबलेट को आप पीरियड्स पोस्टपोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स रोकने हैं या डेट से कहीं कुछ दिन आगे लाने हैं तो उसमें भी आप प्राइमोलोटेन टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमोलोटेन टैबलेट को हज के दौरान भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि काफ़ी हाजी यूज़ करते हैं पीरियड्स को डिले करने के लिए, ताकि हज के दौरान या हज के दिनों में पीरियड्स ना आ सकें। ये थे प्राइमोलोटेन टैबलेट के यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि प्राइमोलोटेन टैबलेट को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। प्राइमोलोटेन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा आपको यरकान भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसके अलावा आपको नोज़िया, वोमिटिंग, या फिर आपको नींद का ज़्यादा आना, या फिर मोशन हो जाना, डायरिया हो जाना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको कमर में दर्द या फिर जिस्म में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि आपको लिक्योरा भी हो सकता है। लिक्योरा जो कि लेडीज़ में बहुत ही बुरी बीमारी है, जो कि लेडीज़ को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जो कि बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा आपको प्राइमोलोटेन से एक्नी भी हो सकती है, या फिर आपका वेट भी गेन हो सकता है, वेट कम भी हो सकता है। इसके अलावा आपको शुगर भी हो सकती है, शुगर का बढ़ जाना, ये हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। प्राइमोलोटेन टैबलेट को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह एक है शाम। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने आज से माइंड बनाया है कि पीरियड्स को 10 दिन तक डिले करना है, तो आपने आज से सुबह और शाम 6 दिन तक टैबलेट यूज़ करनी है, 6 से 7 दिन तक, या इससे ज़्यादा अगर आपको दिन रोकने हैं तो आपने कंटिन्यूसली टैबलेट को यूज़ रखना है। पीरियड्स लाने से 4 दिन पहले आपको टैबलेट को स्टॉप कर देना है, 3 से 4 दिन में आपको पीरियड्स हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं इस बारे में। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।